Assalamualaikum. आज का हमारा सेशन आपको जैसे मालूम है इट्स अबाउट वुमेन इन क्रिएटिव मीडिया और हमारे साथ जो ख़वातीन तशरीफ़ रखती हैं इनमें से कोई भी मेरे इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम आपसे बात करेंगे तो मैं थोड़ा थोड़ा सब के बारे में आपको बताती रहूँगी. हमारी एक पैनलिस्ट सानिया सईद साहिबा अभी पहुँची नहीं है, वो भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी. तो हमारे साथ हैं सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, सबिया सुमार साहिबा और बीगुल. सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने अपने करियर का आगाज़ जो किया था वो 1974 में एज़ अ प्रोड्यूसर ऑन PTV किया था और उसके बाद इन्होंने 1996 में गालबन मोमल प्रोडक्शंस बनाया और 2004-05 में जैसे कि हम जानते हैं कि हम नेटवर्क का शुरुआत हुआ और हम नेटवर्क हम जानते हैं कि बहुत बड़ी कॉर्पोरेट एंटिटी बन गई है. इसके कई सैटेलाइट चैनल्स हैं बहुत मशहूर, हम TV के मसाला चैनल है, अब तो हम न्यूज़ भी है, हम सितारे हैं, तो मेरा और सुल्तान पुश्तो चैनल भी है और मेरे ख़्याल से इंग्लैंड से भी आपका एक सब चैनल चलता है. तो सुल्ताना बापा, आपसे सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि वैसे तो आप सब सेलिब्रिटीज़ हैं अपनी फील्ड में लेकिन हम यहाँ क्योंकि एक मखसूस दायरे में रह के, जेंडर रोल्स के दायरे में रह के और जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में बात करने वाले हैं, तो एक तो मैं ये चाहूँगी कि एक आप अपने इस सफ़र के बारे में बताएं जो एज अ प्रोड्यूसर PTV से ले के टू अ कॉर्पोरेट एंटिटी, टू हेडिंग अ कॉर्पोरेट एंटिटी, इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात आईं, क्या इस रास्ते में कितने कोई रोड़े अटकाए गए, बीइंग वुमन आपको कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा. और इसी के साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि क्या हमारे जो मीडिया है, क्रिएटिव मीडिया है, इसमें क्या रेशियो है ख़वातीन का, रेशियो टू मेन, और वैसे भी कितनी ख़वातीन हैं इस मीडिया में. जी, जो आपने बात की, अब पहला सवाल जो है वो तो एक पूरा समंदर है कि उसका अगर मैं जवाब देने जाऊं क्या मुश्किलात आईं, क्या वो कहते हैं ना मुश्किलें इतनी पड़ी कि हम पे आसान हो गई, कि मुझे मुश्किलें ज़रा कम ही याद रहती हैं और अपना जो सफ़र है वो मुझे आसान हो गया कि ज़ाहिर ये चलते गए. लेकिन डेफिनेटली जब एक खातून बाहर निकलती है तो उसको खातून होना ही एक चैलेंज हो जाता है. यंग होना चैलेंज है, खातून होना चैलेंज है, सिंगल होना और ज़्यादा चैलेंज है. तो मैं सिंगल मदर थी और बच्चे बिल्कुल 1 साल 3 साल 5 साल के उस एज में थे. तो मुझे अभी यहाँ जो आपने सवाल किया उस पे नूरुल हुदा का एक जुमला याद आया. सॉरी, मेरा गला हमेशा ही बैठा रहता है, खोल ही गया. उसने कहा था, औरत जब चक्की के दो पार्ट से पिस के निकलती है तब कोई वो बड़ी आर्टिस्ट बनती है या कामयाबी का सफ़र पूरा करती है. तो मैं अगर इसको बड़ी स्टोरी को छोटा करूं तो यकीनन यही था कि चक्की से पिसते पिसते यहाँ पहुँचे. बहुत सी राह मेरे परेशानियाँ आई प्रोफेशन के हवाले से, क्योंकि पहले अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप कोशिश करती हैं कि ऐसे प्रोग्राम लें जो जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर धीरे धीरे बड़े प्रोग्राम्स उठाते हैं. जब आप मामूली प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो आप किसी के लिए चैलेंज नहीं होते. जब आप उस जगह पे पहुंचते हैं जो लोग ऊपर के लोग जब देख रहे होते हैं कि ये तो हमारे बिल्कुल मुकाबले में आ रही है, तो बहुत से चैलेंजेस होते हैं. तो इस तरह के बहुत से चैलेंजेस हुए. मुझे ड्रामा नहीं करने देते थे, म्यूज़िक नहीं,
ये तो था वहाँ का। मैं जब अब गाड़ी में आ रही थी तो मुझे एक अपनी माँ का जुमला याद आया। मेरा घर काफ़ी मतलब प्रोग्रेसिव लिबरल इस मामले में, लड़कियों के मामले में, एजुकेशन के मामले में भी था, और सब उसके बावजूद मुझे याद है जब मैंने ड्रामा लिया, पहले तो छोटे प्रोग्राम्स करती थी, जब ड्रामा मैंने किया तो रात को देर तक मुझे आना पड़ा, तो मेरी माँ ने मेरी तरफ देख के, मैं तीन बच्चों की माँ थी और बच्चे अभी थोड़े बड़े भी हो गए थे, कहने की ये कैसी नौकरी है, फलां तो 4 बजे आ जाती है बैंक से और तुम्हारा भाई तो 2 बजे 2:30 बजे, जाहिर है वो सिविल सर्वेंट था, वो आ जाता है और तुम रात को 12 बजे आती हो। तो मैंने कहा जा मेरी माँ मुझे, ये तो जजमेंटल हो जाते हैं ना लोग, माँ तो क्या पूरी दुनिया, तो तकलीफ़ें ये हुई लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप में अल्लाह ने इतनी सलाहियतें रखी होती हैं औरत में कि वो हर काम कर सकती है। तो इसी तरह जैसे आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि मैंने, मेरा ख्याल है आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने पाकिस्तान में इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस खोला, बाहर जाके प्रोडक्शंस की, अंदर आके प्रोडक्शन की। फिर जैसे ही चैनल्स खुले तो चैनल मैंने स्टार्ट किया और वो भी इंटरटेनमेंट, उस वक्त तो आपको पता है कि हाइब्रिड चैनल्स थे और वो बड़ा फैसला था कि सिर्फ ड्रामे का चैनल हो जबकि पीटीवी में एक ड्रामा चलता हो और आप इस 24 घंटे ड्रामे चलाएं, तो ये डिसीजन लेना बड़ा था। लेकिन लोगों को मुझ पर ट्रस्ट था, मेरे जो मेरे साथ थे, स्पेशली मैं कहूँगी कि मुझे इसमें हिम्मत दिलाने में मेरे बेटे का बहुत हाथ था, दुरैद का, जो मेरा CEO भी है, और वो कहता है कि मैं इस वजह से नहीं आया कि मैं टीवी पे आना चाहता था, मैं आपके साथ रहना चाहता था, जो बड़ी बात थी। और आज मुझसे एक किसी ने, मेरा ख्याल BBC से या किसी से कोई इंटरव्यू था मेरा, तो उसने पूछा, उसने बड़े टेक्निकल सवाल किए, मैं टेक्निकल सवालों से डरती हूँ, जो फाइनेंस और इनसे, उनसे मेरा वास्ता नहीं। कहने के जब आप आएँ तो आपका पहला चैनल है जो पब्लिक लिस्टेड है, तो क्या आपको शेयर होल्डर्स की तरफ से परेशानी आई? ये बड़ा सवाल था। मैंने सोचा, आपको पता है मेरे शेयर होल्डर्स आए मेरी वजह से थे, क्योंकि मैं उससे पहले इतना ख़ुद को एस्टेब्लिश कर चुकी थी कि उन लोगों ने कहा हम तो सुल्ताना की वजह से जो हैं वो शेयर्स लेंगे, तो मुझे उधर इतनी परेशानी नहीं हुई। बाकी आती रहती हैं लोग, जब मेरा चैनल बड़ा होता है, अब जब मैंने न्यूज़ चैनल खोला तो अपने ही पराए हो गए बहुत से लोगों ने, बीच में जो है मुझे कुछ ना कुछ तकलीफ देने की कोशिश की, ज़ाहरी बात है, तो क्योंकि मैं जाके बाहर बैठ नहीं सकती, कर नहीं सकती, लड़ सकती हूँ हाँ बहरहाल, तो ये होती नहीं आप। थैंक यू। तो जो मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा था कि ख्वातीन की क्या शरह है या क्या रेशियो है कंपेयर टू मेन इन द इंडस्ट्री, वो बहुत कम है हमारे पास, तो फिर भी बेहतर है, क्यों बेहतर क्या, बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरे पास ये मैंडेटरी है कि 33% ख्वातीन हों, तो उनके लिए मुझे ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, लेकिन इन जनरल कम है, लेकिन ये रेशियो बढ़ रहा है और उसका भी मैं क्रेडिट लूँगी, इसलिए कि मैं ये समझती हूँ कि ये हमारा जब चैनल खुला तो वो माहौल मिला लोगों को कि ख्वातीन बहुत अच्छे अच्छे घरों से बहुत आने लगी, और अब हर घर में अगर आप सोचें तो एक खातून, एक बच्ची मीडिया में आना चाहती है, चाहे वो डायरेक्शन में आए, असिस्टेंट हो, क्रिएटिव्स में आए, या फिर जो है ड्रामों में, तो आप देख रही हैं, तो रेशियो बढ़ रहा है, जो कि बहुत खुशाइन बात है। शुक्रिया, ये वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि ये रेशियो बढ़े क्रिएटिव मीडिया में। क्रिएटिव मीडिया यहाँ तो हमारे साथ ज़्यादातर फिल्म, टेलीविज़न, थिएटर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, लेकिन क्रिएटिव मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं समझती हूँ कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री भी क्रिएटिव मीडिया में आती है, तो ये खुशाइन बात है कि हर जगह ख्वातीन का रेशियो आहिस्ता आहिस्ते बढ़ रहा है, चाहे वो कितनी भी मुश्किलात का सामना भी कर रही हों। सबिया सुमार जो हैं, उन्होंने फिल्म मेकिंग
और पॉलिटिकल साइंस सारा लॉरेंस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से पढ़ा और फिर उन्होंने पॉलिटिकल थॉट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। और ये एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं और इनकी फिल्में जो हैं वो बहुत बाहर के मुल्कों में, बाहर के फेस्टिवल्स में बहुत इनाम भी ले चुकी हैं। इनकी फिल्म खामोश पानी को मेरे ख्याल से गोल्डन लेपर्ड इनाम मिला था, गोल्डन लेपर्ड इनाम मिला था लोरानो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पे। और इसके अलावा इनकी सभी आपकी फिल्मों में मैंने देखा है, आपकी चाहे वो फीचर फिल्म्स हों या आपकी डॉक्यूमेंट्रीज हों, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं और वो उनके इर्द गिर्द ही ज़्यादातर घूमती हैं, चाहे वो खामोश पानी हो, चाहे रफीना हो, चाहे आपकी डॉक्यूमेंट्रीज हों हु विल कास्ट द फर्स्ट स्टोन जिससे सबसे पहले आप आई थी। और तो ये एक आपकी एक अभी डॉक्यूमेंट्री आई थी विथ यू एंड कालकी कोचलिन जी, तो ये एक आपका कॉन्शियस एफर्ट है टू प्रोजेक्ट द फीमेल इन योर वर्क। हुरी, मैं ये कहूँगी कि नेचुरली क्योंकि मैं एक औरत हूँ तो मुझे औरतों की कहानियाँ ही अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि वो पर्सनल होती हैं और मैं अक्सर अपने आप को उन रोल्स में देखती हूँ, ख़ास तौर से डॉक्यूमेंट्रीज में। तो मैं अपने ही सवालात को आगे ला रही होती हूँ, वो सवालात जो एक पाकिस्तानी होने के नाते या इस रीजन में रहने के नाते मेरे सर में घूम रहे होते हैं कि इस तरह से डेमोक्रेसी क्यों चल रही है पाकिस्तान में, इसका क्या रोल है, या इंडिया पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो कैसे हैं। तो ये मेरे अपने सवालात होते हैं और मैं अपने आप को उनके बीच में डाल के बात करती हूँ। जहाँ तक फ़िक्शन का ताल्लुक है तो उसमें भी अक्सर एक औरत होने के नाते मैं यही देखती हूँ कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करती हूँ, मैं कैसे अपने आप को इस रोल में देखती हूँ। और मैं समझती हूँ कि मेरा काम एज अ फिल्म मेकर सिर्फ ये नहीं है कि मैं हकीकत को बयान करूँ, वो एक बहुत बड़ा काम है, वो भी मैं करने की कोशिश करती हूँ। साथ साथ मैं समझती हूँ कि मीडिया में होने के नाते मुझे ये भी दिखाना है कि हम इस एग्जिस्टिंग सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हम इसको इससे आगे कैसे निकल सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हकीकत को बयान करना तो थोड़ा सा मायूस मायूसी का आलम हो जाता है ना, क्योंकि ख़ास तौर से अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हम हकीकत को बयान करेंगे जो कि हमारे बहुत सारे ड्रामों में होती हैं, ये हकीकत ही होती है कि वायलेंट आदमी, सफरिंग औरत एंड सो ऑन। और उससे ये सवाल उठता है कि हम किस किस्म के माशरे में रहते हैं, क्योंकि वो माशरा जिसमें मर्द इतने गुस्से में, इतना वायलेंट है, इतना बदतमीज़ है, तो ये किस किस्म का माशरा है। मतलब इसमें मर्द भी खुश नहीं है। हम अक्सर औरतों के रोल्स के बारे में बात करते हैं, मगर मैं तो चाहूँगी कि मर्दों की भी हम बात करें कि क्या वो खुश हैं जो मर्द उस औरत को मार रहे हैं या उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, उस पर शक और शुबा कर रहे हैं, या वो सास जो अपनी बहू से लड़ रही है। तो कहीं भी हमें खुशी नहीं नज़र आती। और मैं इसीलिए अपने कैरेक्टर्स को इस तरह से बनाना चाहती हूँ कि उनके अंदर कोई होप, कोई उम्मीद, कोई चेंज की पॉसिबिलिटी हमेशा ओपन रहे, एक दरवाज़ा खुला रहे, नॉट इन एन एग्जैजरेटेड वे के फूलों के उसमें चले गए, आप वॉक इन टू द सनसेट, ये वो मारपीट के आप कहीं, बट इन अ वेरी रियलिस्टिक वे के वी हैव टू लुक फॉरवर्ड। सो सभिया, डू यू थिंक देयर आर लिमिटेड रोल्स फॉर फीमेल्स इन आवर मीडिया? देखिए, हमारे मीडिया में जो रोल्स हैं ना वो हमारे माशरे से ही निकल के आ रहे हैं। और अब बात ये है कि हमारा माशरा क्यों इस तरह का बन गया है, क्योंकि मीडिया की जहाँ तक पहुँच है तो वो मैस अपील को देखेंगे और वो उन कहानियों को उभारेंगे जो जिनसे लोग आइडेंटिफाई करते हैं। मगर ये एक चिकन एंड एग गेम है, इसलिए क्योंकि मीडिया कहेगा
कि ये माहौल है, ये लोग देखना चाहते हैं, ये मैस अपील है और हम इसलिए बनाते हैं। मगर मीडिया को छोड़ के एक और हमारे माशरे की एक और कुव्वत है जो इस स्टोरी को बढ़ाना चाहती है, ये कैरेक्टर्स को बढ़ाना चाहती है। सुल्ताना आपा तो मुझसे बहुत पहले से काम कर रही हैं, तो उनको पता है कि 60s और 70s का जो पाकिस्तान टेलीविज़न था उसमें सायरा काजमी और हवा के नाम और नूरुल हुदा शाह की बहुत खूबसूरत ड्रामा आसमान तक दीवार, और मतलब इतने बेहतरीन टाइटल्स हमने देखे जिनमें औरतों का किरदार वही था जो उस वक्त हमारा माशरा था। मगर औरत अगर उस पर शक किया जा रहा है तो वो उस बोझ के तले दब नहीं रही है, वो उठ के आगे उसको जवाब दे रही है आदमी को, यू नो, और उसको शर्मिंदा कर रही है। ये आजकल के माशरे में करना मुश्किल हो गया है। तो मैं समझती हूँ कि एक वो फोर्स जो देखें हर मुल्क में मीडिया को ढाला जाता है टू क्रिएट द वर्ल्ड दैट इज़ नेसेसरी फॉर द लीडरशिप टू गवर्न। तो अमेरिका में अमेरिकन ड्रीम है, हॉलीवुड उस अमेरिकन ड्रीम को फॉलो करती है, इंडिया में कुछ वक्त तक सेक्युलर ड्रीम थी, हर वक्त उसी को फॉलो किया जा रहा था, अमर अकबर एंथनी, ये कौन सी फिल्में थी, ये वही थी जो इंडियन सेक्युलरिज्म को उजागर करती थी। अब शायद हम देखेंगे कि हिंदुत्व को ज़्यादा उभारने वाली चीज़ें आ जाएंगी आगे। पाकिस्तान में मसला ये है कि हम बहुत बैकवर्ड रह गए हैं, यू सी, हमने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया वहाँ से जहाँ पे हमको बताया गया कि औरत बहुत पसमानदा और मर्द उससे ऊंचा, क्योंकि यही तालीम दी गई है हम लोगों को, हमारे तालीमी इदारों में भी यही पढ़ाया जा रहा है और हर जगह यही बात चल रही है। तो वी आर फार बिहाइंड, हमारा विजन बढ़ता ही नहीं वहाँ से, यू सी। सो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट वी आर फेसिंग। मगर एक बहुत अच्छी बात होने वाली है, वो ये है कि ये टेलीविज़न का मीडिया एक तरफ, मगर अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, जिन लोगों ने शुरू किए वो उन्होंने भी बड़ी हिम्मत की है, मगर अब बाहर के भी मगर अब बाहर के भी OTT प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि कंटेंट का एक आप समझिए गोल्ड रश लग गया है। मगर जब वही लोग इंडिया पहुँचे तो उनको एक यू नो दे फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल जिनको वो अडेप्ट करके अपने सिस्टम में ला सकते थे, और वो बहुत सारी वहाँ पे राइटिंग वर्कशॉप्स शुरू हो गई, और गवर्नमेंट ने भी और NFDC ने भी और इसने और उसने भी सब ने ये चीज़ें शुरू कर दी, बाहर के लोगों को बुलाया और जल्दी, क्योंकि इसमें पैसा है था और बन रहा है लोगों का। पाकिस्तान में मसला ये है कि हम अगर जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी तो हमारे लोग तैयार नहीं हैं उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, इस वक्त कोई तैयारी नहीं है ज़हनी या यू नो ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं है। हाँ, तो ट्रेनिंग ग्राउंड के बारे में हम थोड़ा और बात करेंगे। सानिया सईद साहिबा आ गई हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि स्टेज पे आ जाए। साहिबा आदाब, माजरत, माजरत, तो अब हम आते हैं बी गुल पे। बी गुल जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत मशहूर स्क्रीन राइटर डायरेक्टर हैं, इन्होंने बड़े TV के लिए मशहूर ड्रामे लिखे हैं जैसे तलखियां, पहचान, कौन कमर आ रहा, फिरदौस की दोज़ख, और हाल ही में इनके दो ड्रामे बहुत ही मशहूर भी हुए, कुछ कंट्रोवर्शियल भी रहे, डर सी जाती है सिला और रकीब से। तो बीगुल, आपको एक हमेशा एक अनकन्वेंशनल राइटर के तौर पे जाना जाता है, एक राइटर जो बहुत थिंकिंग राइटर, तो मुझे ये बताएं कि आप जो स्क्रिप्ट्स लिखती हैं हाउ पैलेटेबल आर दे फॉर द मीडिया हाउसेस, आपको
कितना मुश्किल होता है अपनी स्क्रिप्ट को जब आप किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर या मीडिया हाउस के पास ले जाती हैं, तो डू यू एनकाउंटर डिफ़िकल्टीज इन पुटिंग दैट फॉरवर्ड एज अ प्रोजेक्ट? जी आदाब, इस दौर से शायद मैं इस स्ट्रगल से अब जाकर गुज़र गई। ये इनिशियली बिल्कुल ऐसा ही था कि जब लिखना शुरू किया था तो कोई सीरियसली लेता नहीं था इतनी संजीदगी से, जबकि इत्तफाक की बात यह है कि शुरू किया था हम टीवी एक चैल फिल्म फेस्टिवल तब हुआ करते थे, और उसमें मेरी पहली ही स्क्रिप्ट थी जो कि रिकग्नाइज हुई, और क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल था जहाँ पर हर किस्म के राइटर्स, नए राइटर्स आकर अपनी चीज़ दे सकते थे, तो वहाँ पर एक रिकग्निशन मिली इनिशियली विद द वेरी फर्स्ट स्क्रिप्ट। तो मेरी माँ ने कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ कि तुम्हें अवार्ड मिल गया पहली ही स्क्रिप्ट पर। तो मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी कि अब देखना, तो अब तो पिक्चर तो अभी बाकी है, अब शुरू होगा काम। और वाकई ये हुआ कि मेरा ये ख्याल था कि ये तो बहुत आसान बात थी, ऐसे ही कहते हैं कि कोई नहीं बहुत मुश्किल है, ये मैंने तो पहली चीज़ लिखी वो पहुंच गई, मैं किसी को नहीं जानती थी, मेरी पहली मुलाकात उस इवेंट पर हुई जिस पर अवार्ड मिल रहे थे लोगों से, फिल्म बनाने वालों से भी। तो मैंने सोचा कि तो बहुत आसान बात थी, ऐसे ही लोगों ने बात बना रखी है कि बहुत मुश्किल है, कोई कंपटीशन है। मगर उसके बाद रगड़ा अच्छा खासा लगना शुरू हुआ, जो कि विच वाज़ पार्ट ऑफ माय स्ट्रगल, मैं ये समझती हूँ, और वो बेहद ज़रूरी भी था, जिसने मुझे और समझाया कि किस तरह से, किस सलीके और किस ढंग से मुझे अपनी बात कहनी है। देखिए मैं अब ये बात मानती हूँ, तब मैं बचपना था लेकिन मैं एक कलैबोरेटिव चीज़ होती है टेलीविज़न का मीडियम या फिल्म का मीडियम, कोई मैं नावल तो लिख नहीं रही हूँ, कोई अफसाना तो लिख नहीं रही, तो मुझे वो आज़ादी हासिल नहीं हो सकती बाहर तौर फौरन ज़ोर लगा के शोर मचा के कि जो मैं कह रही हूँ लफ्ज़ बलफ्ज़ यही बनेगा, क्योंकि एक पूरी टीम का उस एक पेज पर होना ज़रूरी है, वो विज़न होना ज़रूरी है जो मैं कह रही थी। मैं डटी रही अपनी बात पर कि जो मैं कह रही हूँ यही कहूँगी, नहीं तो नहीं कहूँगी, यही लिखूँगी नहीं तो नहीं लिखूँगी। तो अगर इसको देखा जाए मिसाल के तौर पर भी, नए लिखने वालों के लिए भी, तो मैं रुकी तो नहीं, रास्ते रोकने की कोशिशें की गई होंगी, किसी हद पर हद तक एक विक्टिमाइजेशन हुई जो किसी भी करियर ओरिएंटेड उसमें होती है, या कोई एम्बिशियस होता है या अपना प्रोफेशनल होते हैं तो होती है, ये नहीं कि ये सिर्फ इसी मीडिया से मुतालिक थी। तो रुकी तो नहीं ना, चलता तो गया सिलसिला, और वो यहाँ आकर अब ये बात है कि रकीब से जब मैंने लिखा था तो, और उससे पहले डर सी जाती है सिला भी, एक लफ्ज़ भी इधर से उधर नहीं किया गया किसी भी लफ्ज़ पर, चैनल की तरफ से या प्रोडक्शन की तरफ से या डायरेक्टर की तरफ से एतराज़ नहीं किया गया, मुझ पर एतमाद किया गया और कहा कि हाँ जो आप लिख रही हैं, मैंने कहा कि मुझ पर ज़रा आप कुछ भरोसा। चैनल किसका था? हाँ चैनल भी इनका था ना जो बैठी जिन्होंने रास्ते खोले। तो मुझे ये भी लगता है कि मुझे ख़ास तौर पर जो मुझसे ये सवाल भी किया जाता है कि बहैसियत औरत आपको कोई मसला तो नहीं हुआ, वो हमारे मसले इन लोगों ने झेले, सुल्तान आपा ने, नूर आपा ने, सबिया बैठी हैं, इन लोगों ने रास्ते हमारे लिए बना दिए थे। मुझे तो बहुत आसानी थी, रास्ता तो था, अब चलने का दम मुझ में होना चाहिए, गाइडेंस तो थी, ये नहीं कि हम अंधेरे में थे। मैं जैसे हमेशा ये कहती हूँ कि नूरुल हुदा शाह ने जब लिखना शुरू किया और जिस किस्म की चीज़ें लिखी, बहुत बड़ा काम था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, मेरे सामने तो रोशनी थी। तो ये बात कहना कि जी बहुत मैंने कोई बहुत ही हंगामा किया, ऐसी बात नहीं। लेकिन बिगुल एक इसका पहलू और भी है, और शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जिस ज़माने में डर सी जाती है सिला चल रहा जी, था जी, जी। तो मैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स पेमरा सिंध में थी जी जी, हमने और बहुत इसके खिलाफ इसके इस प्ले को बैन करने के खिलाफ जी बिल्कुल कंप्लेन आई थी और कई नोटिसेस आए हम जी जी, और मैं काफ़ी लड़ी थी
और शुक्र है कि मैं उस कमेटी में मेरा बड़ा चलता सी देखिए हाँ बिल्कुल तो ये एक दूसरे को हम बहुत स्ट्रेंथ दे रहे हैं तो ये चीज़ें अगर हो सकता है मैं नहीं कहती कि मैं अकेले इसमें थी उसमें और भी ख्वातीन थी दूसरे लोग थे आज फरहाद जैदी साहब का इंतकाल हुआ है बहुत दुख की बात है और वो भी उस कमेटी में थे तो था सपोर्ट बिल्कुल था जी जी पेमरा से मुझे काफ़ी दफ़ा इस चीज़ों को झेलना पड़ा जाती है सिला पे जो है बाकायदे एक जैसे कोर्ट बिठाई जाती है इस तरह से आप भी शायद उसमें होंगी मुझे याद नहीं लेकिन मैंने अपने ऑफिस में ये कहा था कि उसमें मैं जाऊंगी खुद बोलने तो जब तक क्या हुआ था कि इतनी इसमें और दूसरा उडारी में उडारी में हाँ तो उडारी में मैं आई तो जब उडारी में भी ये बात हुई तो एक खातून जो पेमरा में थी देखें पेमरा की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि वो उन्होंने मुझे तब तक जो है वो इतना अच्छा मीडिया में आ चुका था सोशल मीडिया में कि ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए और ये वो तो इतनी सपोर्ट मिली थी जब मैं बोलने गई तो वो मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था तो मैंने कहा आपको एतराज़ किया है तो एक खातून ने कहा वो फिर आप लड़की नहीं दिखाती मैंने कहा लड़का दिखाती तो आपको तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं और ये मैं कहूँ कि ख़वातीन को जितना ख़वातीन इस मामले में सपोर्ट करती हैं बहुत से लोग कहते हैं ख़वातीन ख़वातीन सपोर्ट नहीं करती लेकिन हमारे पास ये अक्सर हुआ है कि हमने कहा है कि नहीं अगर ऐसा सब्जेक्ट है तो उठाएं हम देखेंगे क्योंकि बहुत से लोग जो हैं ये नहीं रकीब से मेरा ख्याल है बहुत से लोगों को जो मेल ओरिएंटेड लोग हैं उनको समझ में उस वक्त नहीं आ सकता था जो हमें समझ में आए वो तो मानते, ये मानते नहीं हैं सुल्ताना पर समझते सब हैं सानिया को मैंने साहिबा कहा तो वो हंस दी इसलिए कि सानिया को शायद मैं जब से वो पैदा हुई है बल्कि उससे पहले से एक तरह से जानती हूँ क्योंकि इनके नाना नानी के घर मेरा बचपन गुजरा काफ़ी हद तक तो सानिया ज़ाहिर है हर कोई इनको जानता है इन्होंने बहुत कम उम्र से स्टेज फिर उसके बाद टीवी पे आई अब तो फिल्म में भी इन्होंने हिस्सा लिया है और इनके बहुत मशहूर ड्रामे हैं सानिया आपका देखें हमारा जो ज़ाहिर है ये जो समाज है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है तो इसमें बहुत स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के तो ये हमारे प्लेज में भी नज़र आते हैं तो मुझे आपसे ये पूछना था कि आपका जो बैकग्राउंड है ये आपका ज़ाहिर है एक आप एक बहुत ही पॉलिटिकली कॉन्शियस फैमिली से हैं सोशली कॉन्शियस पॉलिटिकली कॉन्शियस तो आप जब अपने किरदार चुनती हैं तो कॉन्शियसली आप ऐसे स्क्रिप्ट्स देखती हैं जिसमें औरत के मजबूत रोल हों या स्ट्रॉन्ग रोल्स हों या आर्टिस्टिक कंटेंट को भी देखती हैं या मतलब व्हाट इज़ योर मेन व्हाट इज़ द मेन थॉट बिटवीन चूजिंग अ स्क्रिप्ट जो स्टेरियोटाइप्स की आप बात कर रहे हैं वो तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है और ये मेरी बहुत गुफ्तगू होती भी रहती है कि बहुत सारे मामलात को दिखाने के लिए बहुत सारी गुफ्तगू करने के लिए स्टेरियोटाइप की ज़रूरत तो पड़ेगी कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस रखना पड़ेगा आपको तो स्टेरियोटाइप्स होते हैं एक्टर वो बड़े पेनफुल होते हैं करने क्योंकि आपको लगता है कि ओके सर आई एम डूइंग दिस ऑल ओवर अगेन और इसमें दिस इज़ वेरी कार्डबोर्ड कैरेक्टर लेकिन अगर ओवरऑल कहानी कुछ मस्बत बात कह रही है या कोई किसी बात का कोई नया पहलू है कोई और रुख है तो उसमें स्टेरियोटाइप प्ले करने में भी आपको बहुत एतराज़ नहीं होता आहट का जो मेरा कैरेक्टर था रबिया वो अब स्टेरियोटाइप बन गया उस वक्त वो स्टेरियोटाइप नहीं था उस वक्त मेरे अपने साथी जो थे उन्होंने बहुत कहा कि तुमने कैसा ये क्या किरदार है रोती रहती है और कुछ करती नहीं अपने लिए और मतलब बच्चों को भी अपने साथ उसने रगड़ दिया बहुत छोटी भी थी उस वक्त प्लेइंग अ मच ओल्डर वुमन ये भी था एक प्रॉब्लम दिस इज ऑल्सो अगेन स्टेरियोटाइप इन द सोसाइटी इन द सेंस कि यू आर अनमैरिड यू आर प्लेइंग अब तो नहीं है अब वो ख़त्म कम हो गया है ख़त्म हो गया है
कि एक सर्टन एज का कैरेक्टर प्ले करना, एक कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन का कैरेक्टर प्ले करना, या आपकी शादी नहीं हुई, आप चार बच्चों का की माँ का कैरेक्टर, ये सब स्टेरियोटाइप था उस वक्त में. और अगेन देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करना, फैमिली के बारे में बात करना, ये सब टैबूज़ थे. और बहुत दिलचस्प फैक्ट्स, उस ज़माने फैक्ट्स की मशीनों का ज़माना था, बड़े दिलचस्प फैक्ट्स आया करते थे पीटीवी कराची सेंटर में. काफ़ी उसमें मुग़ला ज़ात का भी एलिमेंट होता था, और काफ़ी गैरत भी हमें दिलाई जाती थी, हमारे माँ बाप को भी दिलाई जाती थी कि ये किस तरह के किरदार और फलाना. तो उसमें किरदार जिस तरह के भी मैं उस वक्त जब मैं चूज़ करती थी, मेरे पास बड़ी वैरायटी थी, और मैं बहुत लाड से भी और बहुत धौंस से भी मैं अपनी मर्जी के कैरेक्टर चूज़ करती थी. कहती ये नहीं, सुल्ताना अपन ने बहुत भुगता है मुझे, ये नहीं करूँगी, ऐसे नहीं, ये ऐसे है, ये वैसे है, इसको ऐसे क्यों, इसका. लेकिन उस वक्त मेरे पास इतनी गुंजाइश थी कि मैं ये सब लड़ाई करती थी. अब जो मुझे मसला होता है ज़्यादा, वो ये होता है कि मेरे पास अब ये गुंजाइश ही नहीं है. अगर पांच स्क्रिप्ट आते हैं तो पांचों एक जैसे हैं, क्या लड़ूँ मैं उस पर. फिर मैं ये देखती हूँ, अच्छा इसमें डायरेक्टर मेरा ऐसा है जिसको मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, ये बहुत बहुत मैसिव गड़बड़ नहीं करेगा. लेकिन मैं फिर भी बहुत दिल से खुश होकर वो किरदार अदा शायद ना कर रही हूँ. बहुत रेयर होता है, सालों में मैं इन लोगों से भी, बीबी से भी, मुस्तफ़ा से भी, एहतिशाम पहले लिखा करता था, अब नहीं लिखता है, मैं इनसे यही लड़ाई करती हूँ. नाम नहीं लूँगी, हमारे बड़ों ने भी लिखना छोड़ दिया है, तो यू नो. लेकिन मसला ये है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं करने को, जो बिल्कुल एक ऑनेस्ट बात है. और ये बिल्कुल सही बात है कि एक अच्छा स्क्रिप्ट लिखने में 2 साल तो लगेंगे भाई. अब 2 साल मैं क्या करूँ, फिर मैं लड़ती रहती हूँ 2 साल उसी उन्हीं किरदारों के बीच में, मैं कुछ उसमें से खींचती हूँ. एक अकेली जान, एक अकेली जान. तो ये भी एक है मसला, एक है. अब जाहिर है मैं उनको कह सकती हूँ कि भाई कुछ और तेज़ लिखा करें, मगर मैं नहीं लिख सकती, कोई भी नहीं लिख सकता. फिर हमारे यहाँ कलेक्टिव राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. एक राइटर लिख रहा है 26 एपिसोड्स, फिर आप नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल देते हैं, भाई क्रेडिट्स कभी चेक किए हैं? एक एपिसोड के कम से कम 5 राइटर्स होते हैं, कम से कम, यू नो. सो हमारे यहाँ हमने वो हम कंपैरिजन बहुत उससे शौक से और चाव से करते हैं, क्योंकि हमें लगता है हमारे प्लेस बड़े अच्छे हैं. प्लेस बनाने के लिए एक पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, विच इज़ नॉट जस्ट ओनली अबाउट प्रोडक्शन, इट गोज़ वे बैक फ्रॉम वेयर यू अलाउ पीपल टू राइट. Right. You develop that skill. Right. तब एक्टर पे बिल्कुल आखिर में बात आती है कि वो क्या सिलेक्ट करेगा उसमें से, you know? तो ये जो सानिया बात कर रही है, इसी को आगे ले जाते हुए, सुल्ताना अपा, TRPs कितना रोल प्ले करते हैं हमारे जो जो जेंडर स्पेसिफिक प्लेज बनते हैं, कि वही रोल्स, वही सास बहू, स्ट्रॉन्ग वुमन कौन है, जो मजलूम औरत है वो कौन है, और इस तरह की चीज़ें दिखाने में. देखें, हम तो कॉन्शियसली इस बात को देखते हैं, उसमें सास बहू भी आ जाती, वो भी पार्ट है हमारे सोसाइटी का, लेकिन उसको किस तरीके से दिखाना है, क्या करना है, उस पर थोड़ा कोशिश करते हैं. और कोशिश होती है कि किसी तरह भी उसको स्ट्रॉन्ग या आखिर में जाके एम्पावर्ड कर दें, तो ये तो करते हैं. लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि PTV का जब दौर था तो एक ड्रामा चलता था वीक में, अब 21 ड्रामे एक हफ्ते में चलते हैं. आप ये सोच लें कि 4-3 ड्रामे जो हैं 7-6 बजे से शुरू होते हैं 9-10 बजे तक, तो उसमें इस तरह की चीज़ें भी आएंगी. जैसे लिटरेचर होता है, उसमें भी अच्छा लिटरेचर कम निकलता है, तो ये होता है उसमें बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, और बहुत से अच्छे सब्जेक्ट भी आए हैं, बहुत से बोल्ड सब्जेक्ट भी आए हैं, जो अभी हमने जैसे नाम भी लिए. तो ये होता रहता है, और हम कॉन्शियसली इस पर कोशिश करते हैं. एक चीज़ शायद आप क्वेश्चन करें या ना करें, मैं थोड़ा सा एक उस पर कहूँगी, जो मैंने कहा था कि ख़वातीन के लिए लोग बड़े जजमेंटल बन जाते हैं, तो मैं कोई सिगरेट या इन चीज़ों के कोई फेवर में अगेंस्ट किसी के नहीं हूँ,
लेकिन मैं ये देखती हूँ कि अगर कोई खातून बिचारी कोई सिगरेट पी ले तो वो आवारा बदमाश हो गई और मर्द पी ले तो वो परेशान है, तो ये जो चीज़ें हैं इसको हमें निकालना पड़ेगा। जो हमारे माशरे में हो रहा है वही चीज़ें हमारे मीडिया में हमारे ड्रामों में उनकी और जब कोई खातून राइटर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो या चाहे हेड ऑफ जो चैनल हो, डेफिनेटली वो बड़ा हिस्सास तबीयत रखती है। मैं आपको एक मिसाल दूं कि मैं थी पीबीए में वाइस चेयरमैन, तो उस वक्त मैंने बड़ा शोर उठाया क्योंकि मुझे पता है किसी मर्द ने ये कभी शोर नहीं उठाया कि जो बच्ची जिसके साथ ज्यादती हो जाती थी या रेप हुआ, इतनी सी छोटी बच्चियाँ उनको बिठा के टेलीविज़न पर उनकी माँ के साथ और बैठ के पूछते थे बच्चे कितने लोग थे, क्या हुआ, क्या किया, तो मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी कि मैं बार बार कहती थी, मैं पैमरा से कहती थी, पीबीए से कहती थी कि खुदारा इन बच्चियों की शक्लें तो ना दिखाएं। तो जब मैं पीबीए में गई तो मैंने उनको कहा नहीं आपा उनका शौक होता, मैंने कहा किसी का शौक नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये भी हमें सोचनी होंगी और कम करनी होंगी, और ये ख़वातीन ही ज़्यादा करती हैं। दूसरा बहुत सी चीज़ें आपको पता है, आप तो उधर रही भी हैं उसमें, कि जो कुछ चीज़ें हैं उनको जिनको रोकना चाहिए वो उनको पता नहीं चलता, बहुत चीज़ों पे पता ही नहीं चलता कि क्या है। और सब्जेक्ट उठा के वही चीज़ जो चाइल्ड अब्यूज़ का है वो सारा आप न्यूज़ में वो सब चीज़ें दिखा रहे होते हैं, और जहाँ पे एजुकेट किया जा रहा है, जहाँ पे उसका थोड़ा बहुत हल बताया जा रहा है कि अगर आपके साथ ज़्यादती हो कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से आपको उसका हल निकालना चाहिए, वहाँ पे वो कहते हैं कि नहीं ये ना बताएं, क्योंकि देखिए ना आप अगर ऐसे करेंगी तो लड़कियाँ दूसरी मेरे दूसरे स्टेप फादर से डरेंगी। अभी इससे पहले जो सेशन था जिसमें सब बैठी थी ख़वातीन और पुलिस भी के भी जो बच्चियाँ थी, जो बता रही थी कि 10 साल की बच्ची के साथ स्टेप फादर जो है ज़्यादती कर रहा था और वो बेचारी भागी है घर से। तो जब ये चीज़ें होती हैं, जब हम नहीं बताएंगे कि माएँ अपनी बच्चों को किस तरह अगर परेशान देखती हैं तो वो कुछ उनसे पूछें करें, तो ये चीज़ें तो हमें बिल्कुल हमें काउंसिल ऑफ कंप्लेंस को भी यही सब बातें बोलनी पड़ती, क्योंकि काउंसिल ऑफ कंप्लेंस तो पैमरा से अलग एक इंडिपेंडेंट काउंसिल होता था, तो हमें उनको यही समझाना पड़ता था कि ये चीज़ें माशरे में हो रही हैं तो ड्रामे में कैसे नहीं दिखाई जाए। सभिया मैं आपसे जहाँ ट्रेनिंग की हमने बात शुरू की थी तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने तो फॉर्मल ट्रेनिंग आपने फिल्म की ली, पाकिस्तान में इतने कोई इदारा है या हैं तो कितने हैं जहाँ, मुझे पता है मीडिया एज अ सब्जेक्ट तो है लेकिन इस तरह का कोई अलग इदारा है जहाँ ट्रेनिंग मिलती हो? नहीं, जहाँ तक मेरी मालूमात है, सॉरी आवाज़ आ रही है ना, जहाँ तक मेरी मालूमात है हूरी, तो ऐसा कोई इदारा नहीं है जैसे कि होना चाहिए, जैसे कि एक बाकायदा एक फ़िल्म स्कूल होती है जिसके अंदर आपको टेक्निकली 4 साल का कोर्स करना होता है, एक फाउंडेशन ईयर होता है जिसमें आप फिल्म के हर पहलू के बारे में सीखते हैं, साउंड, कैमरा, एडिटिंग, लाइट, राइटिंग, डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग, सब सीखना होता है उसमें फाउंडेशन कोर्स में, और फिर अगले 3 साल में आप उसमें स्पेशलाइज करते हैं। तो उस इदारे में आपके लिए जो भी कैमरे होते हैं, एडिटिंग मशीन्स होती हैं, साउंड इक्विपमेंट होता है आला किस्म का, और अपने टाइम के लिए वो जदीद होता है, उस वहाँ से जब आप निकलते हैं तो आपका एक ग्राउंड वर्क, जैसे आप अगर इंजीनियर हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको वैसे ही ट्रेनिंग मिलती है ना, तो इसी तरह इस तरह की कोई ट्रेनिंग पाकिस्तान में मैसर नहीं है और कभी नहीं थी, कभी भी कोई ऐसी स्कूल, कोई भी ऐसा इदारा इंस्टीट्यूशन बना ही नहीं। पाकिस्तान टेलीविज़न में बाहर से लोग आते थे, ट्रेनिंग देते थे हमारे टेक्नीशियंस को, जो उस ज़माने में टीवी का काम काफ़ी अच्छा खासा कर लेते थे, और वो लोग शायद जाते भी थे बाहर ट्रेनिंग के लिए। मगर ये कि एक स्टूडेंट लेवल पे आप लोगों को ये पॉसिबिलिटी दें
कि वो जैसे भाई इंजीनियर कहीं गलत काम तो नहीं कर सकता ना तो डॉक्टर कोई गलत काम कर सकता है, वेरी सीरियस, दीज आर वेरी सीरियस. तो उसी तरह से फिल्म मेकिंग भी एक बड़ा सीरियस प्रोफेशन है. आप अंधाधुन नहीं काम कर सकते इसमें. तो इसी से के साथ सभी एक दो सवाल और मेरे जुड़े हुए हैं कि कितनी लड़कियां हैं जो मीडिया में जाती हैं. मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी तादाद है जो मीडिया स्टडीज़ लेता है. क्या वो प्रैक्टिकली वो ट्रांसलेट होता है, उतनी लड़कियां ख्वातीन आती हैं प्रैक्टिकल फील्ड में या नहीं आ सकती? और जो आती हैं, ये मेरे ख्याल से आप दोनों इस बात का या कोई भी हमारे पैनलिस्ट में से जवाब दे सकता है कि हम देखते हैं कि ख्वातीन ज़्यादातर या तो वो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, या जैसे सुल्ताना आपा हैं कि उन्होंने पूरा एक कॉरपोरेशन बना लिया एंड शी इज़ हेडिंग इट एंड शी इज़ द प्रेसिडेंट. और ये हम दूसरे क्रिएटिव मीडिया में भी देखते हैं, पब्लिशिंग में भी देखते हैं कि ये ऊपर के जो हैं ये तो हैं. थोड़ा बहुत सुल्ताना आपा ने इसके बारे में कल भी बताया था कि टेक्निकल ट्रेनिंग जैसे कैमरामैन, जैसे लाइट असिस्टेंट, जो दूसरे जो हैं कनेक्टेड, उसमें कितनी ख्वातीन हैं या क्या वो जा रही हैं इसमें? उसमें एक्चुअली मैं सिर्फ एक ही औरत को जानती हूँ, नौशीन दादा भॉय, जो बाहर से ट्रेनिंग लेके आई हैं. शी इज़ अ कैमरा वूमन एंड हैट्स ऑफ टू हर कि इतनी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री में वो काम कर रही हैं. और मगर इसके अलावा ना मैं किसी साउंड रिकॉर्डिस्ट को जानती हूँ, ना किसी और डीपी को, कैमरा पर्सन को. एडिटिंग में भी मैं किसी को नहीं जानती. अक्सर इन टेक्निकल फील्ड्स में मर्द ही होते हैं. मगर यू सी हुरी, सिर्फ ये बात नहीं है कि टेक्निकली हमें चीज़ें सीखनी हैं, टेक्निकली भी हमें चीज़ें सीखनी हैं. मगर जैसे बीगुल हैं, बहुत टैलेंटेड राइटर हैं, और भी कुछ राइटर्स हैं हमारे यहाँ जो बहुत टैलेंटेड हैं, उन्होंने ख़ुद अपने आप को सिखाया है. अब इतना ऊंचा लेवल का टैलेंट जो बीगुल हैं, वो कम कम आपको मिलेगा ना. वो तो एक इट्स अ प्रेशस टैलेंट, यू सी. सो अब जब आप दूसरे लोगों को देखेंगे तो उनमें टैलेंट है. यू नो, आई थिंक यू विल एग्री, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो टैलेंटेड है, मगर उनको वो टेक्निकल ट्रेनिंग इन राइटिंग चाहिए. कि जो एक हम फॉर्मूला के साथ चलते हैं, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, यू नो. हम एक फॉर्मूला के साथ चलते हैं. हम एक यू नो, आई मीन एवरी स्क्रिप्ट हैज़ टू बी ऑफ अ सर्टन फॉर्मेट एंड सर्टन थिंग्स हैव टू हैपन एट सर्टन पॉइंट्स, फर्स्ट एक्ट, सेकेंड एक्ट एंड थर्ड एक्ट. इस तरह से आपको लेके उसको चलना है. ये चीज़ें सिखाई जा सकती हैं. इस वक्त मैं गए थे इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, और मेरी एक कंपनी है विधि फिल्म्स, हम मिलके राइटिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं उस टाइम के लिए कि हम एक अच्छे लेवल के लोगों को तैयार करें जो जिन्होंने कभी काम नहीं किया किसी भी मीडिया फील्ड में, मगर वो राइटर्स बनना चाहते हैं, उनमें सलाहियत है, मगर उनको गाइडेंस नहीं मिली. और अब जो दौर आने वाला है उसमें वो भरपूर तरीके से हिस्सा ले सकेंगे. सही. मैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो मैं आखिर में बीगुल और सानिया आप दोनों से ये सवाल करूँगी कि कल सुल्ताना आपा ने ही बात की थी अबाउट चेंज ऑफ माइंडसेट. तो ये सवाल मैं आप दोनों से पूछूँगी कि माइंडसेट किस तरह चेंज होगा. लेकिन उससे पहले सुल्ताना आपा, थोड़ा सा ये सवाल का आप बताना चाह रही थी टेक्निकल ट्रेनिंग के बारे में. हाँ, टेक्निकल ट्रेनिंग हमारी जो है ऑन जॉब ही बेचारे सारे सीख रहे होते हैं और कुछ ऐसा नहीं. और ये चीज़ें देख के मैंने एक इदारा बनाया था, अगर आपको पता हो, कराची फिल्म सोसाइटी, जिसमें बड़े बड़े लोग भी थे, जावेद जबा और बहुत से लोग, मैं भी उसमें हूँ. तो उसमें मैंने ये कर दिया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 3 साल से कर रही हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी लोगों को बाहर से जैसे बुला के राइटिंग में, मैंने रजब अली जो बहुत बड़ा राइटर है इंडिया का, उसको भी बुलाया. और हर साल मैं इसको शॉर्ट करके बताती हूँ क्योंकि आई नो टाइम नहीं, तो हम उसमें करते रहते हैं. अभी मेकअप के लिए जो है वो टर्की से बंदा आ रहा है, तो ये ट्रेनिंग्स मैं अपने तौर पर
कराची फिल्म सोसाइटी के तहत करवाती रहती हूँ। आपने कल मेंशन किया था कि आप ख्वातीन स्पेसिफिकली उनके लिए आप ट्रेनिंग हम टीवी के उस पे करवा रही हैं, मैं एज कैमरा पीपल एज लाइट मैंने वो ये किया कि मैंने देखा कि जैसे इन्होंने कहा कि एडिटिंग में भी लोग नहीं हैं और कैमरा भी में नहीं, मेरे पास दो कैमरा ख्वातीन हैं, तो फिर एक खातून छोड़ के जा रही थी तो मैंने उससे पूछा क्यों छोड़ के जा रही हूँ, तो उसने कहा कि मेरा आउटडोर ड्यूटी होती है, जब मैं कैमरा ऊपर करती हूँ आई एम सॉरी ये मुझे कहना पड़ता है तो कोई ना कोई बदतमीज़ी कर जाता है तो मैं बाहर काम नहीं करूँगी। तो खैर मैंने उसे फिर स्टूडियो में रखा और उसके बाद अब मैंने ये कहा है कि एक तो पढ़े लिखे कैमरा पर्सन आए, क्योंकि हमारे पास बेचारी शादियों से उठ के वो कैमरा पर्सन हो गए हैं, और लड़कियों को ज़्यादा रखें और उनको ट्रेन करें, तो ये हम लोगों ने शुरू कर दिया। बहुत बड़ी बात है। तो अब बीगुल और सानिया, हाउ डू वी चेंज द माइंडसेट? एक बहुत ही खुशाइन बात सुल्ताना आपने अभी कही ट्रेनिंग की, तो मैं सिर्फ इस पे एक छोटी सी बात ये कह रही हूँ कि उसमें कोई जेंडर का इम्तियाज़ नहीं है हमारे यहाँ टेक्निकल ट्रेनिंग, जो मर्द हजरात हैं वो भी कोई इतने टेक्निकली साउंड नहीं है, और ये बात सच है कि वो सेल्फ टॉट हैं, और अब उनकी अगर बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स की जाएंगी तो उसमें मर्द भी आएंगे और औरतें भी आएंगी, जैसे हर प्रोफेशन की ग्रोथ होती है, और अब ये बहुत बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे ये हम टेलीविज़न एक ले रहा है स्टेप। देखिए माइंडसेट तो हो रहा है तब्दील, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इस बात के ऊपर, और आपको कम नज़र आ रहा है लेकिन एक शिफ्ट तो नैरेटिव में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है हमारी टेलीविज़न की स्क्रीन के ऊपर या फिल्म के ऊपर। जो बात थी कि सिर्फ ये कहा जाता था कि यकतरफा एक बात बताई जाती है कि औरत रो रही है रो रही है, एक तो ये कि औरत रो रही है, मर्द रोने को तैयार हो, मैं आज लिखती हूँ उनके ऊपर, एक सप्रेस्ड है एक आपका सेगमेंट आपकी सोसाइटी का, तो उसके ऑपरेशन के ऊपर तो बात होगी। इसके मुझे तो एक शिफ्ट नज़र आता है नैरेटिव के ऊपर, वो किस तरफ को जाएगा, कहीं वो दूसरी एक्सट्रीम की तरफ न चला जाए, और उसको कितना बैलेंस रखने की ज़रूरत है, इक्वालिटी के ऊपर कितनी बात लाकर हमें करनी चाहिए, बनस्बत ये कि यू नो मतलब आप सिर्फ यही कहे जाएं कि आप मर्द बुरा है और औरत बेचारी है औरत बेचारी है, ये नैरेटिव भी कोई सेहतमंद नैरेटिव नहीं है। दोनों को मिलकर कैसे एग्जिस्ट करना है और एक दूसरे के राइट्स का क्या ख्याल रखना है और इंसाफ के ऊपर कैसे जीना है ज़िंदगी को, उसमें मुझे लगता है कि शायद औरत को वो इवॉल्व इस तरह से हुई है बहैसियत इंसान कि उसके अंदर जो जज्बे हैं वो नर्म खो है, वो ज़्यादा इंसाफ पसंद है, उसके यहाँ ज़्यादा अदल है, उसका दिल ज़्यादा गुदाज है, ये चीज़ें तो उसे कुदरती तौर पर मिली हैं, तो अगर उसको थोड़ा आगे बढ़कर लीड करने जहाँ भी आप देते हैं तो चीज़ें बहुत बैलेंस हो जाती हैं, वो बहुत माशरे में एक बहुत नरमी एक फ्लेक्सिबिलिटी आपको नज़र आती है। तो मेरा ये ख्याल है कि अवेयरनेस इतनी भरपूर एक अग्रेसिव कैंपेन चलती है हुई आ रही है, हम औरत मार्च को भी अगर देखते हैं इतना ही अग्रेशन की ज़रूरत है, ये इतना ही अग्रेसिव होना चाहिए था। लोगों को एतराज़ होता है कि बहुत अग्रेसिव स्लोगन्स हैं, आई थिंक ये बिल्कुल सही है। देखिए सदियों की एक रेज और गुस्सा है वो सेटल होगा कहीं जाकर, लेकिन अग्रेसिव होगा उससे बढ़कर जो दिलचस्प बात है कि उस पर रिएक्शन जो आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है, कि ज़रा सा कुछ कहो तो डंडे लेके वो पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे कहा आपने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कैसे कहा आपने ये बात, वो रिएक्शन ही तो बात है सारी, तो माइंडसेट तो उस रिएक्शन में बदलेगा, बदलना शुरू हो गया है मुझे तो ये लगता है। बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि बदलने के सिवा एक तो चारा नहीं है कोई, दूसरे बाकी जो मीडिया के बाहर जितनी मूवमेंट्स हैं और जो तब्दीलियाँ ख़वातीन ला रही हैं माशरे में, जहाँ जहाँ कहीं पैर धरने की उनको इजाज़त नहीं थी, जहाँ वो नज़र आ रही हैं, और ना सिर्फ नज़र आ रही हैं वो राइज़ कर रही हैं पावर पोजीशंस में, अब हमको ज़्यादा ख़वातीन नज़र आ रही हैं डिसीजन मेकिंग में, काफ़ी हैं ये मैं नहीं कह रही, लेकिन पहले की बनिस्बत थोड़ी सी ज़्यादा हैं, और ये मुझे लगता है कि एक अहम बात है, और इससे ही माशरे में नज़रिए में नुक्ता नज़र में फ़र्क आएगा और उसी को मीडिया भी रिफ़्लेक्ट करेगा। दूसरी तरफ ये भी है कि मीडिया बीइंग एन इमेज मेकर
ज़िम्मेदारी बनती है, एंड आई थिंक मीडिया के अंदर एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ज़्यादातर हमारी ख़वातीन हैं राइटर्स, मगर इतनी ख़तरनाक पेट्रियार्कल ख़वातीन हैं वो कि टस से मस नहीं होने देती वो अपनी ख़वातीन की सोच को। और ये जो इंटरनलाइजेशन है पेट्रियार्की की, ये इतनी खौफनाक बात है। और इसमें जो तब्दीली नरमी से, प्यार से लाने की ज़रूरत है, मुझे लगता है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और जब ऐसे खेल कामयाब होते हैं ना, डर्सी जाती है कामयाब होता है, सम्मी कामयाब होता है, रकीब से कामयाब होता है, एक वो तो आता है झटका सा तो लगता है कि अच्छा नहीं, ये तो देखना तो ये चाहते हैं, एक्सेप्ट तो ये करते हैं, इस बात को पसंद भी करते हैं, ऐसी खातून को पसंद भी करते हैं। तो आई थिंक उससे ही फ़र्क पड़ता है, काम का मुकाबला सिर्फ काम से किया जा सकता है। आई थिंक शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान सिद्दीकी साहिबा, सबिया सुमार, बीगुल, सानिया सईद, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी बात मुझे कहनी थी जी। एक बच्ची मुझे यहाँ मिली जब मैं आई थी हॉल में, और मेरे बराबर बैठी थी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक बात कहूँ। मैंने कहा कहिए। कहने लगी कि मुझे बहुत हरासमेंट का सामना हुआ जब मैं मीडिया में गई, और मैं अब बहुत घबरा गई हूँ, बहुत बददिल हुई। मैंने कहा कितनी बार गई? एक बार गई थी, किसी ने मुझे ये कह दिया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम सब को आज भी इसका वास्ता पड़ता है, लेकिन हम घर बैठे नहीं हैं। ये उसका जवाब नहीं है कि आप घबरा जाएं और छोड़ दें। आप डटे रहें, आपका रास्ता है।